डॉम्स वाटर कलर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और स्केच कलर के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो। एक ड्राइंग शीट को दो पार्ट में डिवाइड करके सबसे पहले मैं डे वन लिख लेता हूँ और एक तरफ स्केच कलर और दूसरा वाटर कलर लिख लेता हूँ। आज मैं बनाने वाला था बीटीएस का ये वाला लोगो, तो ये लोगो बनाने में मैं लग जाता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी था। क्या आप लोगों के लिए भी ये वाला लोगो बनाना बहुत ज्यादा इजी है? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब भारतीय इनमें कलर करने की, तो सबसे पहले मैं स्केच कलर से इसमें कलर करने लगता हूँ। बीटीएस का सबसे ज्यादा फेवरेट कलर पर्पल होता है, इसलिए मैं हाथ में इसमें पर्पल कलर कर रहा हूँ। अब मैं करता हूँ डॉम्स के वाटर कलर से कलर। ये केक कलर तो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, क्या आपके भी फेवरेट है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अपने फेवरेट कलर का नाम मुझे कमेंट करें। अब बारी थी बस इसमें आउटलाइन करने की। आउटलाइन करना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पर करना तो पड़ेगी और थोड़ी देर में मैं आउटलाइन कर लेता हूँ। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है मुझे कमेंट में बताओ।